नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज चैनल। और चलिए बात करेंगे सहारनपुर की। आपको देखिए, यहाँ पर सहारनपुर में पुलिस ने एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर बताया कि आरोपियों ने बीते वर्ष 2018 में यहाँ पर अपने 3 साथियों के मिलकर एक साथ यहाँ पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी जीत ने यहाँ पर अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर अफगान बाजार में एक महिला से उसकी चैन अंगूठी और साथ ही यहाँ पर आधार कार्ड छीन लिया था। मौके से यहाँ पर स्थानीय लोगों की तरफ से इसके एक साथी अनिल को पकड़ लिया गया था और बाकी ये 3 फरार थे। आपको बता दें कि पुलिस टीम यहाँ पर जीत को खन्ना से गिरफ्तार कर लिया है और ये बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के निर्देश पर पूरे जनपद में वांछित अपराधियों के विरुद्ध उनके धरपकड़ का अभियान चल रहा है। उसी अभियान के क्रम में सहारनपुर पुलिस ने सन 2018 में खेड़ा अफगान बाजार में महिला के साथ लूट हुई थी। इस लूट को कारित करने वाला एक अपराधी जीत कुमार, जो कि पिछले 4 सालों से फरार चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी की है। मुखबिर की सूचना पर इसकी गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ में इस अपराधी ने बताया कि ये पंजाब जिले में खन्ना नामक खन्ना जगह पे, वहाँ पे खानाबदोश की तरह लेबरी का काम करता था। मुखबिर ने सूचना दी कि ये इस तरह से आज आने वाला है। इसी सूचना पे हमारी पुलिस टीम जो लगातार इसकी तलाश में थी, इसकी गिरफ्तारी की। अभियुक्त पे थाना जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी था और एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया है सहारनपुर पुलिस ने। इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ और कुछ इसके अन्य पर्सनल सामग्री बरामद हुई। और चलिए बात बिजनौर की करेंगे। आप लोग देखिए, यहाँ पर बिजनौर की धामपुर में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि ने हरी झंडी दिखाकर नगर कीर्तन को रवाना किया। साथ आपको देखिए, यहाँ पर बालक कलाकारों ने यहाँ पर अलग अलग करतब दिखाकर लोगों का मन मोह लिया था। गुरु गोविंद सिंह को समर्पित किया गया कार्यक्रम का आयोजन। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जनपद बिजनौर की थाना धामपुर क्षेत्र की गुरुद्वारा सिंह सभा ने नगर कीर्तन का आयोजन किया। मुख्य अतिथि बतौर पहुंचे यहाँ पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि ने नगर कीर्तन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। कीर्तन जो कि श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को समर्पित है, धामपुर नगर की आन बान शान से यहाँ से आरम्भ हो चुका है और ये पूरे नगर का भ्रमण करते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सभी सदस्यों के साथ, गुरु सिंह सभा के सभी सदस्यों के साथ गुरु घर में समाप्त होगा। ये धामपुर की पहचान है, सिखों की पहचान है, उन शहीद बच्चों की पहचान है जिन्होंने हमारे हिंदुत्व के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी। उन्हीं के गुरु सिंह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों में समर्पित होके ये आज का नगर कीर्तन धामपुर की सरजमी से निकाला जा रहा है, धामपुर के पावन धाम से निकाला जा रहा है। आप लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, इसका मैं गुरु सिंह सभा धामपुर की ओर से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री होने के नाते मैं सबको 29 तारीख के लिए। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आप बताते हैं, यहाँ पर जनपद बिजनौर की एसपी ग्रामीण राम अर्ज और साथी उप जिलाधिकारी रितु रानी चंद्रपुर, आपको बता दें यहाँ पर चांदपुर, और साथी क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया चांदपुर ने यहाँ पर थाना चांदपुर क्षेत्र के अंतर्गत रैन बसेरा चांदपुर और साथी गौशाला का भ्रमण किया। संबंधित को यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है और ठंड के चलते रैन बसेरा का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और बिजनौर की चांदपुर में रेलवे लाइन के नजदीक बनी यहां पर वर्षों पुरानी मजार को रेल प्रशासन ने आज पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। रेलवे लाइन की यहां पर नजदीक हो रहे निर्माण और साथ ही सौंदर्यीकरण को लेकर उच्च अधिकारियों के आदेश पर रेल प्रशासन ने मजार को पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया है। मजार के टूटने से आसपास के मुस्लिम समाज के लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। और चलिए बात चमोली की करेंगे। आप यहाँ पर करण प्रयाग गैरसैंण मोटर मार्ग पर आज सुबह एक वाहन के लगभग 200 मीटर यहाँ पर गहरी खाई में गिरने से वाहन सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। करण प्रयाग थाने के यहाँ पर पुलिस ने वहां पहुंचकर रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की एक जो है उस टीम को सूचना दी और सूचना पर एसडीआरएफ के मुख्य आरक्षी रतन शाही अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू किया।
और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर लगातार जो है उत्तराखंड पुलिस अच्छा कदम उठा रही है, लगातार ऐप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस ऐप के बारे में यहाँ पर विस्तार से बातचीत की जा रही है। ऐप सहित अन्य फीचर्स के लाभ भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं और उपयोग करने के लिए निर्देश जारी किया जा रहा है। धरातल पर सफल बनाने के लिए यहाँ पर हरिद्वार पुलिस निरंतर समाज के हर वर्ग के बीच पहुंच रही है और इसी कड़ी में आज लर्निंग ट्री कोचिंग सेंटर पर पहुंची SHO ज्वालापुर ने यहाँ पर गौरा शक्ति ऐप का पाठ पढ़ाते हुए छात्र छात्राओं को नशा मुक्त के बारे में भी जानकारी दी है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गौरा शक्ति ऐप इसका वर्तमान में हमारे उनके निर्देश पर अधिक से अधिक महिलाओं को इसका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है ताकि वो मुसीबत के समय में या कोई दैनिक उनके साथ या घर पर बैठे कि वो एफआईआर कराना चाहती है किसी मामले में तो गौरव शक्ति ऐप के बारे में अधिक से अधिक सोसाइटी में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आज सुबह से हमने यहाँ पर कोचिंग क्लास है जिसमें दो तरह लड़कियाँ आती हैं उनको गौरा शक्ति का रजिस्ट्रेशन करवाया क्योंकि और लोगों से भी अपील है जिनके अधिक से अधिक महिलाएँ लड़कियाँ इसको डाउनलोड करें और घर पर बैठ करके अपनी कंप्लेंट डाल पुलिस को दर्ज करा सकती है या मुश्किल के समय में उसको पैनिक बटन क्या सर जैसे कि कोचिंग सेंटर पर जगह जगह पर जा रहे हो? हाँ कोचिंग सेंटर पे हम ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं और कोचिंग सेंटर वालों को क्योंकि छात्राएं घर से आती हैं जाती हैं कई बार इस प्रकार की आगे देखी गई है अभी कुछ दिन पहले से था दो बच्चे कोचिंग से गायब हो गए ऐसे स्थिति में जो है वो बच्चों के पास भी ये होना चाहिए और ताकि अगर किसी प्रॉब्लम में रास्ते में दिक्कत आ रही है तो कम से कम उसके पैनिक बटन को यूज़ कर सकते हैं या उनके पास समय है तो उसमें अपनी कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। लगभग 100 बच्चों ने यहाँ पर कौन आए थे सर यहाँ पर? कौन आए थे यहाँ पर? SHO सर आए थे ज्वालापुर SHO यहाँ पर लगभग। और धर्मनगरी हरिद्वार में यहाँ पर संपत्तियों को लेकर कई अखाड़ों के साधु संतों की हत्या हो चुकी है। ताजा मामला आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की हत्या की साजिश का है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज पुलिस ने यहाँ पर हत्या की साजिश के आरोप में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया जिसके बाद हरिद्वार पुलिस भी अलर्ट हो गई है। SSP अजय सिंह ने पुलिस अधिकारियों को यहाँ पर खुफिया तंत्र को नोटिस जो है निर्देश जारी कर दिया है क्योंकि यहाँ पर 1 जनवरी को दक्षिण काली मंदिर में कैलाशानंद गिरी का जन्म दिवस कार्यक्रम है और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको तुरंत गिरफ्त में लेकर के उससे पूछताछ कर रही है। मुझे लगता है कि अगर वो दोषी है तो उसे सजा मिलना चाहिए। लगता है कि हमारी जो बढ़ती हुई छवि है, बढ़ता हुआ हमारा कद है, हम देश में नहीं दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर रहे हैं अपने कर्म के कारण, अपनी अध्यात्म के कारण, अपनी कर्मनिष्ठता के कारण, वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा अगर ऐसा कुछ है। वैसे भगवान जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी होए। ईश्वर हम तो माँ काली के सेवा में हैं, माँ काली के पुत्र हैं, महादेव के सेवक हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारी सेवा तो भगवान की। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको यहाँ पर लक्सर में जो है कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जहाँ पर देश भर में सभी अस्पतालों में आज मॉडल ड्रिल का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और तो वहीं कोरोना से बचाव को लेकर भी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यहाँ पर अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को परखा। बाद में डॉक्टर जो है छवि पिटी ने यहाँ पर लक्सर की जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर सुविधाएं चाक चौबंद हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट सक्रिय हैं और वहीं 21 बेड की यहाँ पर व्यवस्था कोरोना पेशेंट के लिए यहाँ पर अस्पताल में की गई है। मॉकड्रिल के अंतर्गत आज हमें कोविड की तैयारियां को जानकारी लेनी थी कि सारा कुछ सिस्टम जगह सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। उसमें डॉक्टर नलिन, डॉक्टर शौर्य कानपुर से आए हुए थे, उनने यहाँ पे सब तैयारियां देखी। सबसे पहले दवाइयों के बारे में देखा गया कि दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति है कि नहीं है। दूसरी चीज़ देखी गई कि मशीनों का कैसा क्या व्यवस्था है, पलंग की बराबर व्यवस्था है कि नहीं, मशीनों में देखा गया वेंटिलेटर कितने हैं और सब सुचारू रूप से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई देखी गई, ऑक्सीजन टैंक कैसा है, भरा हुआ नहीं है,
हैं वो सब देखा गया, साथ में नेबुलाइजर्स वर्किंग है कि नहीं है, और हमारा जो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है वो बराबर मेंटेन है कि नहीं है, और आने वाले समय में आगे भी सारे कर्मचारियों को बोला गया है कि सारे आने वाले लोगों को बराबर उचित दूरी से खड़ा करा जाए सबको मास्क के लिए। और चलिए अगली बात करेंगे, अब लक्सर की आपको बताइए, गुरु गोविंद सिंह की प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारा साहिब लक्सर की ओर से सिख समाज की तरफ से भव्य नगर कीर्तन निकाली गई। गुरुद्वारा साहिब लक्सर की ओर से यहां पर 11 बजे जो है पंच प्यारों की यहां पर अगुवाही में भव्य नगर कीर्तन का शुभारंभ किया गया। नगर कीर्तन को जो है शुगर मिल की महाप्रबंधक ने सरोपे पर डालकर शुरू किया, और मुख्य ग्रंथी महेंद्र सिंह ने भी यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी साहिब में यहाँ पर सुशोभित किया, और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की यहाँ पर देखरेख में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के प्रकाश, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के सुपुत्र हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका सभी संगतां सारे संसार में बसने वाली संगतां बड़े खुशी और चाव से सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। आज भी आप देख रहे हो सभी धर्मों के लोग इस नगर कीर्तन में उनके जन्मदिन की खुशी में सभी शामिल हैं, और ये सभी ये जो नगर कीर्तन है ये दर्शाता है कि हम सभी को एक होकर रहना चाहिए, तभी हम इस दुनिया में आया हमारा तभी सफला होगा जब हम सब एक बन के रहेंगे। और चलिए बात उत्तरकाशी करेंगे आपको, तो यहाँ पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, और कोरोना के यहाँ पर खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में मॉक ड्रिल के जरिए अस्पतालों के यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया। जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में यहाँ पर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला और साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी की यहाँ पर देखरेख में मॉक ड्रिल हुई, जिसमें कि यहाँ पर कोशिश कॉल के समय यहाँ पर की जाने वाली यहाँ पर व्यवस्था को भी जांचा परखा गया। जिलाधिकारी ने अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए यहाँ पर संबंधित अधिकारियों को अस्पताल की यहाँ पर खामियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। आज जिला अस्पताल के कोविड की जो सुविधाएं यहाँ पर उसका निरीक्षण किया गया है, और अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कोविड से संबंधित लैब है उसका किया जाए, और एक मॉक ड्रिल जैसा यहाँ पे सभी हमारे जो चिकित्साकर्मी हैं ये भी आयोजित कराया जाएगा, और